मास्टर जी, कल मैंने टीवी पर पहाड़ों को गिरते हुए देखा। पागल। उसमें बहुत डर भी लगा मेरे को। वैसे तो पहाड़ों में बहुत सारे पेड़ पौधे थे, पत्थर भी गिर रहे थे, पेड़ पौधे भी गिर रहे थे, सब नाले में जा रहे थे। ऐसा क्यों होगा? हाँ बाबूराव जी, इसका जिम्मेदार बहुत हद तक ग्लोबल वार्मिंग एक वजह हो सकती है। मास्टर जी, वो कैसे होता है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी गर्म हो जाती है। पेड़ वातावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। पेड़ हट जाने पर ग्लोबल वार्मिंग होता है। अच्छा मास्टर जी, ग्लोबल वार्मिंग पेड़ों से कैसे बच जाएगा, कैसे रुक जाएगा? अरे वो ग्लोबल वार्म नहीं, ग्लोबल वार्मिंग है बाबूराव जी। आपकी तरह विश्व में कई लोग हैं जिन्होंने पेड़ के महत्व को नहीं समझा। एक साधारण पेड़ प्रतिदिन 5 मनुष्यों के सांस लेने जितनी ऑक्सीजन देता है, ये पहली बात है। दूसरी बात आपको बताई होगी, पेड़ शुद्ध ऑक्सीजन को देते हुए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। एक पेड़ एक साल में वातावरण से जितनी कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, उतनी कार्बन एक कार 41,600 किलोमीटर चलने के बाद पैदा करती है। पेड़ हमारी जिंदगी है। पेड़ लगाओ, ग्लोबल वार्मिंग से जग को बचाओ। ग्लोबल वार्मिंग नहीं बाबूराव जी, ग्लोबल वार्मिंग है।